सवाल आता है किस्म कि आप कौन सी किस्म के क्षेत्र में लगाएं, कि सोयाबीन की बहुत सी किस्में विकसित की जा चुकी हैं, तो पंतनगर द्वारा विकसित किस्मों में कुछ किस्में पहाड़ के लिए विकसित की गई हैं, जैसे पंत सोयाबीन 1092, ये बहुत अच्छी किस्म है। और एक अभी किस्म हमने जो है विकसित की है 2019 में, पंत सोयाबीन 25, ये पहाड़ी क्षेत्र के लिए दो किस्में हैं, बहुत अच्छी किस्में हैं। कुछ किस्में जो है पहाड़ी क्षेत्र के लिए अल्मोड़ा से विकसित की गई हैं, जैसे आपके VL89 है, VL47 है। कुछ भटकी किस्में जो है विकसित की गई हैं, जैसे VL65 है। तो ये किस्में आप जो है पहाड़ी क्षेत्रों में लगा सकते हैं। मैदानी क्षेत्रों का जहाँ तक सवाल है, कि मैदानी क्षेत्रों में इसकी बहुत सी किस्में हैं, क्योंकि मैदानी क्षेत्र में पंतनगर का बहुत बड़ा योगदान है। इसमें पीला विषाणु एक रोग आता है, उसके लिए हमने यहाँ से अवरोधी किस्म को विकास किया है, जिसमें जो पंत सोयाबीन 1347 से एक बहुत अच्छी किस्म है। इसकी नुकीली पत्तियाँ होती हैं और इसकी पैदावार 30-35 क्विंटल तक प्रति हेक्टेयर हो जाती है। उसके बाद एक जो है किस्म है हमारी जो है PS 1225, जो आपकी मैदानी क्षेत्रों के लिए है, और ये बहुत अच्छी किस्म है। ये सबसे पहले पंतनगर विश्वविद्यालय ने विकसित की, जो एक जंगली जाति के द्वारा तैयार की गई है। उसके बाद एक किस्म PS 24, जो यहाँ से विकसित की गई है 2017 में। इसके बाद एक किस्म जो है अभी जो है 19 में विकसित की गई है, पंत सोयाबीन 26। तो ये 4-5 किस्में हैं जो मैदानी क्षेत्र के लिए बहुत उपयुक्त हैं। और बहुत सी किस्में हैं जो लुधियाना ने कुछ जो है विकसित की हैं, और आपका जो है दिल्ली ने विकसित की है उत्तरी मैदानी क्षेत्र के लिए, उनको भी आप लगा सकते हो। क्योंकि इसकी मुख्य फसल जो है मध्य भारत में होती है, जैसे महाराष्ट्र है, MP है, तो वहाँ के लिए बहुत सी किस्में हैं, जैसे JS 335 है, JS आपका 5752 है, JS 2034 है, आपके JS 9303 है। तो बहुत सी किस्में हैं आपका जो है, जो DSB 21 है, तो मध्य भारत के लिए वो आप किस्में जो है वो आ सकते हैं। आपको किस क्षेत्र के लिए कौन सी किस्म लगानी है, ये बहुत आवश्यक है किसान के लिए। उसी किस्म को लगाएं जो उस क्षेत्र के लिए आपका विकसित की गई है। तो आइए जानते हैं कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। पंतनगर विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर RK सिंह के अनुसार उधम सिंह नगर और आसपास के क्षेत्रों में 8 और 7 जुलाई को छुटपुट वर्षा होने की संभावना है। इसी के साथ ही साथ तापमान अधिकतम 31 से 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है और न्यूनतम 25 से 26 डिग्री सेल्सियस। किसान भाई अपने कृषि कार्य मौसम को ही देखकर करें, धान की रुपाई को पूरा कर लें। इसके साथ ही साथ अन्य फसलों में यदि जल भराव की स्थिति है तो उचित निकासी की व्यवस्था कर लें।